हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में JIIOC यानी झारखंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर्स कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हो गया, उसका जो नया डेट आया, इंपॉर्टेंट डेट जो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में, और कौन कौन से लोग JIIOC का फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं फिल कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट आया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे JIIOC 2022 झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022, तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की, जो मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट डेट जो है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 18 अक्टूबर 2022 से जो स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है 17 नवंबर 2022 है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस परीक्षा शुल्क के भुगतान की जो अंतिम डेट है वो कब है, 19 नवंबर 2022 है। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन कीजिए, अगर मान लीजिए कुछ एडिटिंग करना है आपको, तो डेट फॉर एडिटिंग फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, 22 नवंबर 2022 से लेके 24 नवंबर 2022 है। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी EWS EBC1 BC2 के लिए 100 रुपीज़ है, और SC ST कैटेगरी के लिए 50 रुपये, और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए नो फीस, जीरो फीस है, आप उनके लिए एक भी फीस नहीं लगेगा। अब जो अप्लाई कैसे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे ओपन हो किया जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे ओपन हो के आएगा। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन आ जाएगा, आप वहाँ से फिल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी टाइप है, तो रेगुलर वैकेंसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, या बैकलॉग वाला वैकेंसी जो है, जो पिछले बार बार से बचा हुआ वैकेंसी इसमें ऐड कर दिया गया है, उसमें केवल करना चाहते हैं, या दोनों में, तो यहाँ पे अगर आपने आपको दोनों पे सिलेक्ट कर लीजिए, बोथ बोथ पे आप सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं किसके लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इंजीनियरिंग ड्राइंग या मैथ के लिए, तो आपने यहाँ पे मैथ सेलेक्ट कर लिया, ट्रेनिंग ऑफिसर मैथ। नेक्स्ट यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे, मान लीजिए XYZ, अपना नेम यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका जेंडर, यहाँ पे मेल फीमेल अदर्स, तो मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे एस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, तो अगर आप झारखंड के हैं तो एस करेंगे, अगर झारखंड के बाहर के हैं तो नो, तो यहाँ पे आपके पॉपअप आएगा, यहाँ पे यू आर ओनली एलिजिबल फॉर UR कैटेगरी। जैसे मान लीजिए आप अगर OBC से हैं, या SC या ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, या EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपको कंसिडर किया जाएगा, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो क्या कंसिडर किया जाएगा, UR कैटेगरी। तो यहाँ पे ओके करेंगे इसको, और यहाँ पे नो कर दिया। अब यहाँ पे आप आ जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे UR लिख के आ जाएगा, UR आ गया यहाँ पे, आप इस पर क्लिक किए, उसके बाद जो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं फिल कर सकते हैं, आपको इस वाले से पता चल जाएगा कि आप इस अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एस सेलेक्ट है, जो कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या कंडीशन पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट। अगर आपने जो मैट्रिकुलेशन है झारखंड के जियोग्राफिकल एरिया, मतलब झारखंड स्टेट के किसी भी स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अगर किए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अनिवार्य योग्यता सभी अभ्यर्थियों के लिए, कंडिका 6 क में निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त, वहाँ पे जो कंडीशन है ITI या जो भी मांग रहा है, डिप्लोमा जो भी मांग रहा है, उसको छोड़ने के बाद, उसको अगर हम छोड़ दें, उसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं की जो परीक्षा है वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी जो 10वीं की पढ़ाई है वो झारखंड के किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज
या स्कूल से होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, भले ही आप झारखंड के रहने वाले। जैसे मान लीजिए आप झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन आपने झारखंड से अपना 10वीं नहीं किया है, मान लीजिए यूपी से किया है या बिहार से किया है या दिल्ली से किया है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी हैं कि आप अदर स्टेट से हैं लेकिन आपने झारखंड में ही आपने 10वीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस लेकिन क्या होना चाहिए, जो 10वीं की परीक्षा है, जो 10वीं है, आपको कहाँ से पास करना होगा, झारखंड के किसी भी उस जियोग्राफिकल एरिया में, यानी झारखंड स्टेट के किसी भी जिले में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप अगर ने किया है 10वीं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस वहाँ से किया है तो आप यहाँ पे एस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नो कर ही नहीं सकते हैं आप, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एस है। उसके बाद आर यू फिजिकली हैंडीकेप्ड, तो अगर आप यहाँ पे जो भी है आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, देन मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अगर आप झारखंड के अगर लोकल हैं तो वहाँ पे एस अगर सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे ये कंडीशन पूछेगा। इसको भी देख लेते हैं, अगर जो झारखंड के बाहर के हैं उसके लिए था वो, अब जो झारखंड के रहने वाले हैं उसके लिए क्या किया है, तो वहाँ पे एस सिलेक्ट जैसे किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नो किया था तो आप यू आर नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आप झारखंड के नहीं हैं तो आर यू सिटीजन यहाँ पे एस करेंगे इसको। उसके बाद आर यू लोकल रेजिडेंस ऑफ झारखंड एस, देन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेजिडेंस डालेंगे यहाँ पे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए धनबाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेजिडेंस ऑफ झारखंड, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, तहसीलदार या कहाँ से कराएं आप, उसको डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कौन डीसी या एसडीओ या सीओ जिसने भी किया है। उसके बाद डेट, जो जिस दिन रेजिडेंस डेट ऑफ इशू आप लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे एंटर करेंगे। देन उसके बाद रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी कैटेगरी रहेगी, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपकी कैटेगरी अप्लाई होगी, तो यहाँ पे यू आर एस सी एस टी ई बी सी 1 2 बी सी 2 ई डब्ल्यू जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशूइंग अथॉरिटी डालेंगे यहाँ पे एच डी ओ डी सी सी ओ किसने इशू किया इसको। उसके बाद यहाँ पे इस डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जब भी हुआ है यहाँ पे डेट डालेंगे। देन उसके बाद अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट आपने किया है नहीं किया है, तो नहीं किया तो अगेन आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं भले ही आप झारखंड के रहने वाले हैं। अगर आपने किया है तो यहाँ पे एस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आर यू फिजिकली हैंडीकेप्ड, अगर एस तो एस, अदरवाइज नो। देन यहाँ से अगेन यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है यहाँ पे आके, यहाँ पे अपना आपको एक यूजर नेम मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा जो आपने पासवर्ड क्लियर किया था। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो लास्ट डेट है क्या है, 17 नवंबर 2022, तो 17 नवंबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।